For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान की फिल्म भारत को रिलीज हुए एक हफ्ता बीत चुका है और आज भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बरकरार है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में हर किरदार ने कमाल की एक्टिंग की, खास तौर पर सलमान की ऑन स्क्रीन माँ सोनाली कुलकर्णी ने। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सलमान खान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई वॉज प्रिटी नर्वस बिकॉज वी हैव स्टोरीज फ्लोटिंग अराउंड अबाउट हाउ ही इज अ स्टार लाइक एंड हाउ ही डज दिस और दैट, वेदर ही विल रिमेम्बर लाइंस और कम टू सेट्स on time. He was fabulous with his lines. In fact, he came up with suggestions and improvisations. I really liked his vibe on the sets. I never saw him carrying the weight of being a superstar. Sonali ne aage kaha ki Salman Khan ek fabulous insaan hai aur unhone har kadam par team ka saath diya hai. Well, to Sonali ke statement sunkar aapko kaisa laga? Hame zarur bataein. दिशा पाटनी इन दिनों खूब चर्चा में है और उनकी फिल्म भारत से उन्हें बेशुमार सक्सेस मिली है और इस फिल्म में सलमान खान के साथ काम करके दिशा की पॉपुलैरिटी आसमान को छूने लगी है। इसके चलते ही दिशा के हर मूव को उनके फैंस फॉलो करते रहते हैं और शायद इसलिए जब दिशा को शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ डिनर आउटिंग पर देखा गया तो फैंस इस पिक्चर को शेयर करते रहे और इस पर कॉमेंट भी करते रहे। आदित्य ठाकरे शिवसेना यूथ विंग के प्रेजिडेंट हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा है। ऐसे में इन दोनों की डिनर आउटिंग की पिक्स देखते ही देखते वायरल हो गई। इस पिक में दिशा ने कैजुअल रेड टॉप पहना है और आदित्य भी येलो टी शर्ट में काफी कूल लग रहे हैं। इससे पहले भी इन दोनों को कई बार एक साथ देखा गया है जिससे पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी कई मजेदार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए। कुछ दिन पहले ये कंफर्म हुआ था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह ईद 2020 पर रिलीज होगी और तब से लेकर सभी के मन में इंशाल्लाह और सूर्यवंशी के बीच क्लैश की चिंता सता रही थी। जहां संजय लीला भंसाली और सलमान खान का रीयूनियन सभी देखना चाहते हैं, वहीं रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में अक्षय कुमार की एंट्री भी कोई मिस नहीं करना चाहेगा। फिर अक्की और सल्लू के इंडिविजुअल फैन बेसिस भी काफी पॉपुलर हैं। ऐसे में कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही था, वरना बॉक्स ऑफिस का ये क्लैश काफी घमासान हो सकता था। मगर अब ये क्लैश टल चुका है और सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और रोहित शेट्टी की एक पिक्चर शेयर की, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा, आई ऑलवेज थॉट ऑफ हिम एज माई यंगर ब्रदर एंड टुडे ही प्रूव्स इट #itsrohitshetty। साथ ही भाईजान ने ये भी लिखा, सूर्यवंशी रिलीजिंग ऑन 27th March 2020। वेल, तो अपनी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को प्रीपोन करके रोहित शेट्टी ने ईद 2020 का बड़ा क्लैश अवर्ट कर दिया है और इस स्मार्ट मूव से हम सब काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप? इन दिनों दिशा पाटनी अपनी फिल्म भारत की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। इनफैक्ट दिशा के लिए तो सलमान खान के साथ काम करना किसी सपने से कम नहीं था और इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टार के साथ स्क्रीन पे शेयर करना कोई छोटी बात नहीं है। मगर दिशा को ये मौका मिला भी और उन्होंने इस मौके से बहुत कुछ सीखा भी। जी हाँ, सलमान खान जैसे फिटनेस फ्रीक के साथ काम करके दिशा भी अपने फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हो गई हैं और अब वो कई बार इंस्टाग्राम पर अपनी वर्कआउट रूटीन के वीडियोस शेयर करती रहती हैं। और इस मंडे को भी दिशा ने कुछ ऐसा किया और इस वीडियो में वो इंटेंस डेडलिफ्ट करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते उनकी बॉडी और भी ज्यादा फिट और स्ट्रांग बन सके। अब इस वीडियो को देखकर हम सबको तो यकीन हो गया है कि दिशा सलमान से बहुत इंस्पायर्ड है। तो दिशा की इस वर्कआउट वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।
इन दिनों दुनिया भर में वर्ल्ड कप 2019 का फीवर चल रहा है और हमारे देश में भी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम पर काफी प्रेशर है। वेल, भारत की ये टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में कमाल का परफॉर्मेंस दे रही है। इतने इंटेंस प्रेशर के बीच हमने देखा कि नॉटिंगहम में टीम के कुछ मेंबर्स सलमान खान की फिल्म भारत देखने गए। जी हाँ, केदार जाधव सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और जब उन्होंने कहा कि वो भारत फिल्म देखना चाहते हैं तो उनके टीममेट्स और सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। ऐसे में हम इन टीम इंडिया को नॉटिंगहम के मल्टीप्लेक्स में सलमान खान की फिल्म भारत एंजॉय करता देख सकते हैं। वेल, केदार जाधव ने तो इस फिल्म को इतना एंजॉय किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर थिएटर की पिक्चर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, भारत की टीम भारत मूवी के बाद। वेल, पिक में सभी के चेहरे की खुशी से तो साफ नजर आ रहा है कि टीम इंडिया ने भारत फिल्म को ग्रीन सिग्नल देते हुए खूब एंजॉय किया और इस ब्रेक के बाद पिच पर उनका परफॉर्मेंस भी ज्यादा दमदार होगा, है ना? शादी से पहले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने कई फिल्मों में साथ काम किया मगर शादी के बाद दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। पर उसके बाद हुआ एक बड़ा खुलासा कि दीपिका पादुकोण कबीर खान की अगली फिल्म 83 में रणवीर सिंह की पत्नी का रोल निभाएंगी। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि फिल्म 83 कपिल देव की बायोपिक है जिसमें रणवीर सिंह कपिल देव के किरदार को निभाते नजर आएंगे और गेस व्हाट, उनकी पत्नी दीपिका ही इस फिल्म में उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ रोमा भाटिया का रोल निभाने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए रणवीर सिंह पहले ही इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए थे और अब दीपिका ने भी टीम को वहां ज्वाइन कर लिया है। रणवीर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दीपिक को टीम में वेलकम किया है और शूटिंग पर अगर सब स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चला तो 20th अप्रैल 2020 को हम सब बड़े पर्दे पर एक बार फिर 83 की जीत का एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाएंगे। तो दीपिका और रणवीर को एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें जरूर बताएं। ये तो सभी जानते हैं कि दबंग 3 में भाईजान खुद एक आइटम नंबर परफॉर्म करने वाले हैं और इस गाने का टाइटल है मुन्ना बदनाम। वेल, पहले तो सभी को लग रहा था कि इस गाने में उनके साथ मौनी रॉय परफॉर्म करेंगे पर फिर यह हमें खबर मिली कि मौनी नहीं बल्कि लव यात्री की स्टार वरीना हुसैन इस गाने का हिस्सा होंगी। इस गाने को वैभवी मर्चेंट कोरियोग्राफ करेंगी और भाईजान और वरीना को इस स्पेशल आइटम नंबर में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही इस गाने में कमाल खान की आवाज और बादशाह का रैप चार चार लगा देगा। इतनी एक्साइटिंग खबर सुनने के बाद फैंस इस गाने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और मेकर्स ने अनाउंस कर दिया कि वो इस गाने की शूटिंग आज ही करने वाले हैं और इसके चलते तो ऐसा ही लग रहा है कि सलमान खान की फिल्म बड़ी आसानी से 20th दिसंबर 2019 की रिलीज डेट को मीट कर पाएगी। तो सलमान खान और वरीना हुसैन के स्पेशल बदनाम डांस नंबर को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं हमें जरूर बताएं। हजार 2014 की फिल्म किक को कोई भी भूल नहीं पाया है। इस फिल्म में सलमान खान के डेविल अवतार को सभी ने बेहद पसंद किया और अब जो साजिद नाडियाडवाला ने अनाउंस किया है कि वो किक का सीक्वल बनाने वाले हैं तो फैंस की एक्साइटमेंट और खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वेल, इसी के चलते एक और खबर सामने आई कि सलमान खान और रोहित शेट्टी के बीच किक 2 के डायरेक्शन को लेकर डिस्कशन हो रहा है जिसके बाद सभी को लगने लगा कि रोहित शेट्टी ही इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि खुद साजिद नाडियाडवाला ने कंफर्म किया है कि किक के डायरेक्टर यानी कि वो खुद किक 2 को डायरेक्ट करेंगे। वेल, किक में साजिद के अमेजिंग डायरेक्शन स्किल्स को देखने के बाद हम सबको यकीन है कि किक 2 में भी वो कुछ ना कुछ धमाकेदार तो करेंगे ही करेंगे, है ना?
सलमान खान की फिल्म भारत ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया है। पिछले 5 दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने 150 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया था और अब 6th डे के कलेक्शंस भी काफी अमेजिंग है। मंडे होते हुए भी इस फिल्म ने 6th डे पर 9.20 करोड़ कमाए, जिसके चलते इस फिल्म का टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन तेजी से 200 करोड़ की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही ये फिल्म अब 2019 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसर बन चुकी है। फिल्म भारत की बात करें तो ये कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर का ऑफिशियल अडेप्टेशन है और इस फिल्म में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर, नोरा फतेही, तब्बू और जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म की अमेजिंग स्टोरी लाइन और कटरीना कैफ का देसी अवतार सभी के दिलों में घर कर गया है और जो भी इस फिल्म को देख रहा है वो इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहा है। अब ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले हफ्ते में भी फिल्म भारत की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती जाएगी और बॉक्स ऑफिस पर और भी धमाकेदार रिकॉर्ड्स बनाती जाएगी, है ना?